दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओंटारियो खालसा दरबार पे। हम पहुंच गए माल्टन गुरुद्वारा, पहुंच गए हैं हम गुरुद्वारा नानक सर। दोस्तों कनाडा में आज हमारा 28वां दिन। आज हम मॉर्निंग में उठे अपने टाइम से, जैसे उठते हैं उसके बाद हम आज जा रहे हैं नानक सर गुरुद्वारा। तो मेरा नाम मित्र कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बटन दबा लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज हम जा रहे हैं नानक सर गुरुद्वारा। कई दिन से सोच रहे थे कि जाएंगे लेकिन आज फाइनली हम जा रहे हैं। तो पहुंचते हैं गुरुद्वारा बाई बस। वो सामने जो आप रोड देख रहे हो वहाँ से हम आते हैं यहाँ पे बस स्टैंड। बस ऑन टाइम पे है, बस वहाँ सामने रेड लाइट जहाँ से हमने रोड क्रॉस की थी। तो पहुँच गए हैं हम गुरुद्वारा नानक सर, 64 टिम्बर लेन ड्राइव। गेट से हमने एंटर किया और यहाँ पर आ गए। यहाँ से एंट्री है मेन हॉल के लिए। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ फ्लावर से, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे भी डेकोरेशन। गुरुद्वारा से निकले, अब हम बाहर निकलते हैं ये बस स्टैंड। यहाँ से हमने बस पकड़नी है 54 नंबर। 200 डिनर करने के बाद हम जाने लगे थे ऊपर रूम में, तो देखा बैकयार्ड पे तो एक रैबिट सामने बैठा हुआ, बड़े अच्छे से देख रहा है, बड़े प्यार से बैठा हुआ वहाँ पे, जो उसका नेचर है रैबिट का। तो रैबिट ने खाना शुरू किया कुछ। दोस्तों आज कनाडा में हमारा 29वां दिन। आज मॉर्निंग में हम तैयार होकर जा रहे हैं, श्री गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं माल्टन के। यहाँ से बस से ही जाएंगे, सीधी बस जाती है वहाँ पे, बस चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बस जाएगी। हम वही अपने पार्क से निकल रहे हैं अभी, वो पार्क कई रास्ते से ही जाएंगे। बॉबर्ट जो सामने वो पीछे आप देख रहे हो रेड लाइट, वहाँ से बस वहीं से बस मिलनी है। 505 नंबर बस में हम जाने वाले हैं आज। बस पहुँचते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ गुरुद्वारे। दोस्तों पहुँच चुके हैं बस स्टॉप पर। बस से यहाँ से उतरे बस स्टॉप सामने, बस से उतरते ही हार्डली चंद कदमों का रास्ता और ये हम पहुँच गए माल्टन गुरुद्वारा, श्री गुरुद्वारा साहिब माल्टन का। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, मिसिसागा में पड़ता है, एयरपोर्ट रोड पे पहुँच रहे हैं हम। रेड लाइट से पीछे वाली रेड लाइट से वॉक करते हुए आ रहे हैं। वो सामने देखो गुरुद्वारा माल्टन का जहाँ से हम आए, और हम वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों रोड क्रॉस करने के बाद आप इस तरफ देख रहे हो, सारी जो ये प्लाजा है इसमें सारी ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, जैसे कि फैंसी ज्वेलर्स, और उसके बाद ये रूबी ज्वेलर्स, बंटी ज्वेलर्स, जेपी ज्वेलर्स, लाइन से ज्वेलर्स की शॉप है सारी। इस प्लाजा से आगे निकलने के बाद हमने आगे एक फ्लाईओवर था उसको क्रॉस किया, और फ्लाईओवर से हम आगे राइट हुए, और राइट होते ही दोस्तों ये है माल्टन का प्लाजा। बहुत बड़ा प्लाजा है दोस्तों आप देख रहे हो, और इसमें ये इंडियन रेस्टोरेंट भी है तंदूरी हुए 24 आवर्स के नाम से। काफ़ी बड़ा प्लाजा है ये, और पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। और इधर ये बस स्टैंड जो आप देख रहे हो लेफ्ट में, यहाँ से हमने बस पकड़नी है। बस यहाँ से बस पकड़ते हैं फिर आगे जाएंगे एक और गुरुद्वारा जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जाने वाले हैं वहाँ पर हम। ये बस स्टॉप है, मैंने बच्चों से ये बच्चे खड़े इनसे कंफर्म कर लिया। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ओंटारियो खालसा दरबार, बस से उतरे और बिल्कुल सामने यहाँ पे ज़्यादा वॉकिंग नहीं थी, वॉकिंग तो खैर वहाँ पे भी नहीं थी। गुरुद्वारा सिख संगत के बाद नानक सर गुरुद्वारा, माल्टन का श्री गुरुद्वारा साहिब, तो ये दोस्तों तीन गुरुद्वारे हम गए। और हमें वहाँ पर गुरुद्वारे में बाहर से जो लुक थी गुरुद्वारों की, उनकी लुक ऐसे थी जैसे एक बिल्डिंग के अंदर गुरुद्वारे बने हुए हैं। ओंटारियो खालसा दरबार की जो लुक है वो ट्रेडिशन लुक जो गुरुद्वारे की होती है इंडिया में भी, वो हमें यहाँ इस गुरुद्वारे की देखने को मिली। बिल्कुल ऐसे दूर से लगता है कि हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए। तो गुरुद्वारे से आने के बाद हमने डिनर कर लिया और अब बैठे ही थे हम रूम में, यानी तैयारी थी, और हमने देखा कि बैकयार्ड में रैबिट। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है क्योंकि 9:30 का टाइम, हमें तो क्लियर नहीं आ रहा, आपको भी क्लियर नहीं आ रहा होगा। पहले बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, मैंने कैमरा ऑन किया तो टेढ़ा होके कुछ खाने के लिए पत्ते तोड़ रहे हैं, घास तोड़ रहे हैं, घास खा रहे हैं। सामने हो गया फेस इसका, देख रहे हो ये डोर, इसको ओपन कर दूंगा वो भाग जाएगा। डोर ओपन करके बाहर जा रहे हैं, भाग गया।